अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जी टी ए 5 रियल लाइफ मोड वीडियो। तो यार कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं अभी आया था डीलरशिप पे माइकल भाई की, तो माइकल भाई तो इधर है नहीं, उनके आई थिंक फादर आए हैं नॉर्थ यंगटन से, तो वो उधर बिजी हैं। तो मैं यहाँ पे आया ये इसलिए था क्योंकि मैंने ना वो माइकल भाई ने कहा था कि कोई टोयोटा वेड्स है जो 2008 मॉडल है वो सही करनी है, तो उसके चेक करने आया था पेपर, उसकी तस्वीरें पड़ी थी यहाँ पर, तो तस्वीरें चेक करने आया था। तो खैर वो तो भी मुझे नहीं पता चला, मतलब माइकल भाई अवेलेबल नहीं है, तो मैंने उनको कहा कि चलो मैं बाद में आ जाऊँगा, और हो सकता है मैं घर ही चक्कर लगा लूँ क्योंकि उनके अबू आए हैं, तो उनके अबू से भी मुलाकात हो जाएगी साथ ही साथ मेरी। और अभी देखो मैं अपनी होंडा सिविक रिबॉन में आया, यार ये गाड़ी ना बड़ी फेवरेट हो गई है। इस गाड़ी के सिनेमैटिक शॉट्स जो है ना मैंने वो डाले हैं मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर, तो नीचे इंस्टाग्राम के ऊपर लिंक दिया हुआ, जाके जल्दी से जाके वो सिनेमैटिक सीक्वेंस देखो, क्या कमाल सिनेमैटिक्स बने हैं यार, मज़ा ही आ गया। चलो अभी मैं निकल रहा हूँ अपनी डीलरशिप के ऊपर, मतलब कि अपनी वर्कशॉप के ऊपर जा रहा हूँ, और अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी वर्कशॉप के ऊपर। यार रिबॉन का जो आवाज़ ना, इस रिबॉन की वो बहुत कमाल की आवाज़ है। खैर अभी मैं जा रहा हूँ, मैंने एक ओ भाई अभी मैंने जाना है, और जाने के बाद ना मैंने यहाँ पे एक कस्टमर से मेरी डील है, तो उस कस्टमर के पास एक होंडा सिविक आई थिंक, तो नहीं कौन सा मॉडल कह रहा था वो, तो उसके पास ना वो गाड़ी है, तो उसने कहा था कि वो गाड़ी ख़राब हुई है। अभी भाई देखो मैंने अपने शहर में ना लॉस एंजेलिस में इतने वो करवाए हैं, मतलब मार्केटिंग करवाई है, मतलब पूरे ना पोस्टर बंटवाए हैं अपने, जो वो होते हैं ना ब्रोशर जिसे कहते हैं, वो यहाँ पे सारे मतलब कि हर घर में बांटे हैं ट्रेवर डेंटर एंड पेंटर के। तो यार वो जो है ना वो जो मैंने बांटे थे, इसलिए मुझे एक फ़ोन आया कि भाई एक होंडा सिविक है वाइट कलर की है, पता नहीं कौन सी है, तो वो ठीक करनी है, उसकी डेंटिंग पेंटिंग करनी है और उसको मॉडिफाई करना थोड़ा सा, तो कहते हैं पैसे लोगे। तो मैंने कहा भाई मैं ट्रैक लेके आऊँगा, अगर तो डील बनी तो मैं गाड़ी उठा के ले जाऊँगा आपकी, नहीं तो फिर देख लेते हैं। तो अभी उसके बाद जाना हमने डील करने, अभी देखते हैं क्या डील बनती है। और अभी मैं इशारे पे इशारा तोड़ दिया मैंने, खैर कोई बात नहीं यार, अभी थोड़ा देर हो रहा मुझे। इस गाड़ी की जो रेविंग अप साउंड है ना बहुत कमाल है, ये देखिए मैं अभी आपको रेव डाउन करके दिखाता हूँ गाड़ी, रुके यहाँ पर रुकते हैं गाड़ी, आप पहले गेट से मैं उठाऊँगा गाड़ी, ये देखें अभी दूसरे गेट पे आई, तीसरे पे आई, अब मैंने डाउन शिफ्ट करनी है, ठीक है ये देखें, ये डाउन शिफ्ट की आवाज़ बड़ी प्यारी है इस गाड़ी की। और फिर अपना स्टीयरिंग व्हील तो है ही है साथ, ये देखें अभी मैं फिर डाउन शिफ्ट करता हूँ, रुकें तो डाउन शिफ्ट करने के चक्करों में हम आगे आ गए हैं। चलो भाई खोलो दरवाज़ा, ये पुलिस वाला उल्टा क्या कर रहा है खड़ा होके? ओए तुझे मैं उल्टा खड़ा इनके पास देता हूँ, तो भाई साहब ये आ गई अपनी जगह। और अभी यहाँ पे उतरते हैं हम लोग, उतर के ना तो फिलहाल मेरा ड्राइवर नहीं आया, और यार एक ना यहाँ पे है ठेकेदार है यहाँ पे, जो ठेके पे देता है बंदा ना, मतलब कि वर्कशॉप पे जो काम मतलब काम करता है ना उन बंदों को देता है, तो उसके बाद भी जाना है कल परसों, देखे अब क्या बनता है। उससे मेरी डील हुई थी आज की, लेकिन वो आज का थोड़ा मसला आ गया, तो मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी की, और ये मेरा ट्रक खड़ा हुआ जो माइकल भाई से हम लोग लिया था ट्रक, इस ट्रक पे चलते हैं हम लोग और जाके वो गाड़ी देखते हैं कैसी गाड़ी है, क्या मतलब कि सूरत हाल है उस गाड़ी की। चलो भाई माइकल भाई के पर ट्रक का पहला दिन आज, यार वैसे माइकल भाई के दिल के बहुत अच्छे बंदे हैं, उन्होंने ट्रक दे दिया हमें, देखो यार बगैर पैसे लिए हमें ट्रक दे दिया। अब यार इस ट्रक का ना ये ट्रक जो है ना ये बड़ा लो मॉडल ट्रक है, भाई खोलो दरवाज़ा, ये दरवाज़ा खोलो यार, देखो दरवाज़ा नहीं खोला, मैं दरवाज़ा तोड़ना पड़ा, मेरे आने तक ठीक हो दरवाज़ा ये वाला। चलो यार कोई नहीं, दरवाज़ा तोड़ दिया हमने, रुको तो मैं गाड़ी जो है ना वो इधर खड़ी गाड़ी,
ठीक हो गया। तो ये ट्रक जो है ना बड़ा मतलब कि ना लो मॉडल का ट्रक है, इसको मैं मॉडिफाई करवाऊँगा इंशाल्लाह, देखें अब आप लोग। इसका मीटर बड़ा अजीब सा लगता है मुझे, तो मेरा ख्याल है इसका मीटर चेंज करें कि ना करें हम लोग, आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे। ट्रक में तो यार जो थर्ड पर्सन व्यू होता है ना उसमें तो कुछ नज़र आता ही नहीं, तो मेरा ख्याल है बेहतर है कि हम लोग फर्स्ट पर्सन व्यू रख लेते हैं। ओ भाई एक मिनट मुझे मुड़ने दो पहले, शुक्र है उन्होंने मुड़ने दिया, नहीं तो लॉस एंजेलिस की जो ट्रैफिक है ना आपको पता ही है कि अगले बंदे को छोड़ते नहीं होते, पूरा करते हैं उसके साथ। तो इशारा लगा हुआ, वो खुल गया इशारा, वाह, तो बिल्कुल टाइम पे इशारा खुल गया एकदम। आगे ऐसे करके मोड़ लेते हैं थोड़ा सा ताकि गाड़ी लगे ना। यार लॉस सैंटोस में ना ये गाड़ी लगने का बहुत डर होता है क्योंकि ये लोग गाड़ी सही तरीके से चलाते ही नहीं है, इनको इतनी दफ़ा, हालांकि पुलिस वुलस ये तो एक तो ये ख़ास तौर पर जो ग्रोवर सीट है ना, ये जो ये कह लें कि आप जो सारा पिंड है यहाँ का लॉस सैंटोस का, जो सारे मतलब के दो नंबर बंदे रहते हैं, ये तो काम करते ही नहीं, डॉग्स के पास रहते हैं सारे। ओ शिट मैन, जल्दी से निकलो, पुलिस बुला लेगा ये। ओ भाई निकलना पड़ेगा, उसकी मैंने डिग्गी तोड़ दी अगले की। भाई उसने बस नंबर ना देख लिया, अगर नंबर ना देखा हो तो बाकी खैर है, अभी एक तरह का इशारा लग गया, वो बेचारा लगता सो रहा गाड़ी के अंदर, पता नहीं चला उसे क्या हुआ। तो फिर इशारा लग गया और इशारा फिर खुल गया हमारा, चला ले भाई, नहीं चला, चला ही नहीं रहा था तब, मुझे बताओ कि मैंने यहाँ से गाड़ी मोड़नी किस तरह। तो भाई अब भी हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और ये ग्रोवर सीट है यहाँ का जो सबसे, यहाँ पे जो जितने बदमाश लोग होते हैं ना, बदमाश शहर के यहाँ पे रहते हैं सारे, तो यहाँ बड़े आराम आराम जाना, आप लोगों को पता ही है ड्राइवर बदमाश किस्म का लड़का है पूरा, तो इसको ना यहाँ पर बड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा ट्रक को, अगर हल्का सा भी कहीं पर लग गया ना तो यहाँ पर सारे बदमाश लोग, ये देखो वो भाई ध्यान से निकाल ले भाई, पहले तुम निकल जाओ भाई, देखो हमने दिखा है कोई नहीं सड़क। तो यहाँ पे ना मैं एक बार ट्रक मोड़ लेता हूँ पहले, यहाँ के जो लोग हैं ना गाड़ी सीधे के चलाते नहीं ना, हॉर्न टाइम पे देते हैं, इनकी आदत है यहाँ की ना। चलो भाई हम लोग पहुँच गए यहाँ पे, तो मैं यहाँ से उतरता हूँ, ट्रक का मैं कर देता हूँ लॉक, और यही एड्रेस दिया था और मुझे लगता है मैं बिल्कुल सही एड्रेस पर पहुंचा क्योंकि ये गाड़ी खड़ी हुई है। होंडा सिविक, ये तो नहीं है इसके नीचे क्या, इसके नीचे कुछ भी नहीं लगता, गांधी बिछाया हुआ है। रुको यार उस बंदे का वेट कर लूँ, पहले मैं दरवाज़ा खड़का देता हूँ। घर में कोई है? जी जी भाई 2 मिनट रुके। आज चले मैं आप वेट कर रहा हूँ भाई, आ जाए बाहर। तो यार ये आ रहे हैं, इनका नाम हुसैन साहब है, तो देखते हैं गाड़ी का क्या बनता है। गाड़ी तो वैसे उन्होंने बहुत ही गंदी रखी हुई है यार, रुको मैं आपको फर्स्ट पर्सन व्यू में चेक करूँगा, तो गाड़ी बहुत ही गंदी रखी है ना, ये देखो पंजाब पर रजिस्टर्ड हुई है गाड़ी। रुको आप वेट कर लेते हैं उनका हम लोग। अस्सलाम वालेकुम ड्राइवर भाई। जी जी वालेकुम सलाम सैम भाई, क्या हाल आपका? जी जी ड्राइवर भाई अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। जी जी मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। तो हुसैन भाई बताएं जरा गाड़ी के क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या करवाना चाह रहे हैं आप? ड्राइवर भाई जैसे कि आपको पता है कि ये होंडा सिविक 1999 मॉडल है, तो इसका इंजन फुल रिबिल्ड हुआ है, बस मैंने मॉडिफिकेशंस करवानी छोटी मोटी। हुसैन भाई मैं गाड़ी मॉडिफाई तो कर दूंगा आपको, लेकिन गाड़ी आपने गंदी बहुत रखी हुई है, तो इस पर आई थिंक आपको ना ये जो ऊपर सामान शमान, ये किसी का सामान है आपका? ड्राइवर भाई ये मेरा ऑफिस का सामान है। अच्छा, तो ये मैं ये उतार दूंगा ऊपर से, क्योंकि देखिए मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूँ,
इसके ऊपर आपने लगवाई है, ये पता नहीं क्या लगवाया हुआ जो आपने जिसके अंदर सामान रखा हुआ है, ठीक है। ये सामान जो है ना ये बहुत ही गलत रखा हुआ, क्योंकि आपके ऊपर आपकी ये क्या कहते हैं इसके ऊपर आपकी ये सनरूफ है, ये ख़राब हो रहेगी आपकी। तो मैं इसको उतार दूँगा और अलार्म्स नए डलवा दूँगा, बकाया सारा कुछ काम तो मैं कर ही दूँगा आपका। बहरहाल फिलहाल मैं एक टेस्ट ड्राइव लेना चाहता हूँ कस्टमर के साथ, ताकि मैं आपको बता दूँगा क्या क्या मसला है इसका। आ जाएँ बैठ जाएँ, आके आके बैठ जाएँ। हाँ वैसे टू डोर गाड़ी है, लेकिन पीछे भी बैठ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो गाड़ी है 1999 मॉडल है, जैसे आपको पता है इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन इतनी मॉडिफिकेशन तो नहीं है। फ़िलहाल ये गाड़ी चली है तकरीबन, मुझे देखने दें, मीटर बड़ा गंदा हुआ है, ज़रा मैं साफ़ कर लूँ। हाँ ये गाड़ी तकरीबन 1,80,090,000 चल गई हुई है, ये गाड़ी तकरीबन 1,90,000 चल गई गाड़ी। तो इस गाड़ी के साथ आप कुछ इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कितनी देर अब चलेगी। आपने एलोरम भी बहुत गंदे रखे हैं ऐसे गाड़ी, ये देखो गाड़ी के ऊपर मट्टी छट्टी चढ़ी हुई है सारी। तो यार आप गाड़ी धुलवाते नहीं हो, मुझे ज़रा बताओ, धुलवाते नहीं गाड़ी कभी आप? ड्राइवर भाई गाड़ी दिलवा लेता हूँ कभी कभार। अच्छा गाड़ी के इंजन में तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस इज़ होंडाज इंजन, तो होंडा के इंजन में कोई इतना मसला नहीं आता होता कभी भी। लेकिन फिर भी अगर केयर ना करें, गाड़ी की हेडलाइट्स जो है पिछली उड़ी पड़ी हैं सारी, कलर फेड हुआ हुआ है, ठीक है। हाँ जी कलर फेड हुआ हुआ है आपकी गाड़ी का, और मैं इसके बहुत ही कम चार्जेस लूँगा। आपको पता ही है एज़ यू नो कि मेरी जो डीलरशिप है वो, मतलब कि डीलरशिप कह रहा हूँ, वर्कशॉप कह रहा हूँ, वर्कशॉप जो है मेरी नई नई खुली अभी, तो मैं इतने ज़्यादा चार्ज नहीं करूँगा आपको। लेकिन फिर भी इस गाड़ी में काम बहुत ज़्यादा, तो तकरीबन आप एस्टिमेट लगाएं कि आपका तकरीबन ना कोई 5-6.5-6 लाख का खर्चा हो जाएगा इसके ऊपर। इफ़ यू आर विलिंग मैं अभी गाड़ी ले जाऊँगा आपकी, और तकरीबन 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर मैं आपको गाड़ी वापस कर दूँगा ये वाली। मेरे मकैनिक्स जो हैं वो इस गाड़ी पर काम करेंगे, ठीक हो गया। अभी मैं गाड़ी के अंदर इंजन चेक कर लूँगा आके। सुहेल भाई इसमें आपने इंजन, हुसैन भाई आपने इसमें इंजन चेंज करवाया होगा? ये फ्लेम्स छोड़ रही है पीछे से असल में। अच्छा एग्जॉस्ट सिस्टम चेंज करवाया हुआ है, खैर वो तो मेरा ख्याल है वही लगा रहने देंगे तो बेहतर है, एक्स्ट्रा हॉर्स पावर मिल जाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अभी मैं गाड़ी ले जाता हूँ, ठीक है फिर। और अगर आपको कोई मसला हुआ तो आपका नंबर तो मेरे पास है ही, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी देयर। ओके 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 हुसैन भाई, नाइस डीलिंग विद यू, मैं निकलता हूँ, ठीक है। तो गाइस फाइनली हुसैन भाई निकल गए हैं, उनको तो काम है थोड़ा सा, तो इस गाड़ी को मैं एक बार ट्रक पर चढ़ा लूँ तो फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से। वैसे गाड़ी तो काफ़ी अच्छी मिली है, इसको मॉडिफाई करवाना है आप लोगों ने, तो यार अभी कोई मकैनिक तो है नहीं, मैं तो उसको इतना कुछ कह दिया कि मकैनिक्स ये वो, तो पता नहीं अभी हमारा मकैनिक नहीं, पता नहीं क्या करते हैं अभी हम लोग। तो फिलहाल मैं गाड़ी को पहले ट्रक के ऊपर चढ़ा लेता हूँ। तो गाइस फाइनली गाड़ी मैंने चढ़ा ली है, और ये देखें ट्रक के ऊपर बिल्कुल सही चढ़ गई गाड़ी, मजबूती से चढ़ गई है। तो मैं ट्रक लेके चलता हूँ, वो लॉक किया हुआ सच, तो ट्रक लेके मैंने अनलॉक कर लिया ट्रक को। अभी निकलते हैं वर्कशॉप की तरफ, तो आप लोगों ने कमेंट सुनता ना कि होंडा सिविक कैसी लगी आप लोगों को, और तभी तो उनको मॉडिफाई करवा के देनी पड़ेगी गाड़ी यार ये वाली। तो मैं अभी लगा लेता हूँ और हम लोग निकलते हैं डीलरशिप की तरफ। पीछे को बंदा ना आ रहा हो, बस नहीं आ रहा, तो निकलते हैं हम लोग। वैसे गाड़ी के उन्होंने निस्त काफ़ी मारी हुई है, लेकिन कोई मसला नहीं, हम लोग गाड़ी जो है वो ठीक करवा लेंगे, और बकाया जो मसले हैं वो भी ठीक हो जाएंगे इसके अंदर। इसमें इंजन का कोई मसला नहीं, विच इज़ वेरी गुड थिंग, क्योंकि इंजन के अंदर कोई मसला होता है, इंजन तो दोबारा रिबिल्ड करने में बहुत टाइम जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो वो मसला नहीं है। हम लोग इसका बस उसकी बॉडी किट्स है वो मंगवानी पड़ेंगी अब, और यहाँ से गाड़ी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, और हमने एक और बिलबोर्ड तोड़ दिया, और यहाँ से ट्रेन आ रही है, तो अब हमें रुकना ही पड़ेगा। गाड़ी 1999 मॉडल की सिविक SE है, जो कि विच इज़ जो कि 1999 में फुली ऑप्शन कार थी। इन्होंने सनरूफ के ऊपर देखो यार सामान रखा हुआ है, कोई बात है करने वाली? अजीब अजीब लोग होते हैं यार दुनिया में,
सनरूफ के ऊपर कौन सामान रखता है? सनरूफ तो होती है कि आप गाड़ी के अंदर, जो गाड़ी के अंदर सन की, ताकि वो धूप की रोशनी आ सके, और जो आपका वो होता है लॉन्ग रूट्स पे आपको मज़ा आया था कि सनरूफ खोल के हवा ले सकें, इन्होंने ऊपर सामान रखा हुआ है। लगता है ये बंदा जो है ना, गाड़ी को सिर्फ यूज़ करता रहा है, ना धुलवाता है ना कुछ करता है, सिर्फ यूज़ करता है बस। इतनी गंदी गाड़ी ही पड़ी है। तो मैं फाइनली अपनी डीलरशिप पे पहुंच गया हूँ, और अभी इस गाड़ी को उतार कर तो अंदर खड़ा कर देता हूँ मैं। मैकेनिक यार कोई नहीं, अपना यार मैकेनिक, मैकेनिक का कोई करना पड़ेगा हिसाब अभी। वो तो है, कल की वीडियो में भी इंशाल्लाह तआला करेंगे हम लोग। मैकेनिक वाले के पास जाना हम लोगों ने। ओ, ये पीछे से पुलिस आ गई यार, रुक जाओ। ये पुलिस वाली गाड़ी को पता नहीं क्या हो गया, आई थिंक बीमार होगी पुलिस की गाड़ी। रुको यार, इस बंदा ने ना ये गेट जो है वो सही नहीं किया, तो मैं यहीं से अंदर कर लेता हूँ। ऐसे दूसरा गेट भी तोड़ना पड़ेगा। तुम निकल जाओ यार पहले, नहीं तुम निकल जाओ, जाओ। एक तो लो सेंटर में ना हर बंदे को बड़ी जल्दी होती है, और तो कोई नहीं आ रहा पीछे, नहीं आ रहा। चलो मैं यहाँ से गाड़ी को अंदर कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर ट्रक को खड़ा कर देता हूँ दोबारा से, और अभी मैं उतरता हूँ ट्रक से। और अभी इस गाड़ी को मैं निकालता हूँ यहाँ से। तो गाइस, गाड़ी मैंने फाइनली उतार ली है, ये खड़ी गाड़ी, इसको मैं खड़ा करता हूँ। वर्कशॉप के अंदर ही खड़ा कर देता हूँ। ये कुछ बंदे पता नहीं यहाँ पर रोज आ जाते हैं, ये आई थिंक दूसरी फैक्ट्री के बंदे हैं यहाँ पे, आई थिंक चिल करने आते हैं। हमें कोई मसला नहीं, अंटिल हमारी चीज़ों को ना छेड़ें बस, बाकी खैर है। तो यहाँ पे मैंने गाड़ी को खड़ा कर दिया अंदर। तो चलो निकलता हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो थोड़ी सी पसंद आएगी, छोटी सी वीडियो बनाई है बहुत मैंने। ये होंडा सिविक लेके आए हम लोग आज, कल हम लोगों ने जाना है मतलब ठेकेदार के पास जाना है। अगर आप लोगों ने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है ऊपर आई कार्ड में आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाके वो देखें, काफ़ी कमाल वीडियो थी। और सिनेमेटिक वीडियो भी जाके देखें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ पाकिस्तान गेमर साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।